सोम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कॉन्क्लेव पे आने का। मुझे लगता है आज हम ऐसे समय पे बात कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसा बोला गया, वाणिज्य मंत्री हैं, तो सबसे पहला सवाल मुझे लगता है अर्थव्यवस्था को लेके पूछना बनता है। आज की तारीख में बहुत ज़बरदस्त डिबेट है इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेके। आपका क्या मानना है हमारी ओवरऑल अर्थव्यवस्था को लेकर? देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो सारी दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है, थोड़ा पेसिमिज्म है, थोड़ी सारी इंडस्ट्री बैठ रही है। जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री को वर्स्ट हिट हुई है, ऑटो इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, जो टेक्सटाइल है, ऐसी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी ट्रेंड डाउन चल रहा है जी। तो लेकिन इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम ले रही है जी। इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है जी। और ऑपोजिशन भी इसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बना रहा है। आज ही कुछ घंटे पहले मैंने देखा, जब मैं आ रही थी यहाँ पे दिल्ली से, कि राहुल गांधी ने भी इस विषय को लेके काफ़ी ट्वीट किया है। सारे ऑपोजिशन लीडर्स इसको लेके काफ़ी मुद्दा बना रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप उस बारे में? देखो, राहुल गांधी की तो ट्वीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो वैसे करते ही रहते हैं, किसी न किसी जो भी चीज़ है उसको आदत है करने की। लेकिन ये एक सारी दुनिया का ट्रेंड है, वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है जी। इसके लिए हाउ टू रेक्टिफाई इट, इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए दो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको बहुत जल्दी दोबारा बना रहे हैं जी। उसे बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में उसमें के लिए पॉलिसी बन रही है, और लॉजिस्टिक्स के लिए पॉलिसी बन रही है। तीन चार कदम उठा रहे हैं। आज भी सारे इंडिया की जो ट्रेडिंग काउंसिल की मीटिंग में, जैसे इंडिया के सारे इंडस्ट्री मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं जी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी गए हुए हैं सारी। अभी मैं उस मीटिंग से बीच पर छोड़ कर आया हूँ, सारे इंडिया वो मीटिंग चल रही, यही बात वहाँ डिस्कस हो रही थी, हाउ टू इम्प्रूव ट्रेड, कैसे बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएं, इम्पोर्ट्स को कैसे कम करें जी। इसके लिए आज मीटिंग दिल्ली चल रही थी। नहीं, ये आपका आपकी बात सही है कि एक ग्लोबल स्लोडाउन है, और इंडिया जो है उस वजह से भी काफ़ी इम्पैक्टेड है। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी अर्थव्यवस्था को लेके, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाकी और मुद्दों पर, और वो ये है कि रोज़गार को लेके एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है कि क्या रोज़गार पैदा कर पा रही है सरकार, क्या उस विषय में और काम करने की ज़रूरत है? देखो, रोज़गार की समस्या है, इट्स नो डाउट अबाउट दैट। उसके लिए जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है उसमें बहुत कुछ हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करें, मेक इन इंडिया या स्टार्टअप की बहुत अच्छा, जो न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके अच्छा स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 40,000 स्टार्टअप हमने शुरू किए हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है, और जो लोन है उसको बैंकिंग में थोड़ा क्लोज डाउन स्लो चले हैं, बैंकिंग को हम कह रहे हैं कि लोन ज़्यादा दें, लोगों को एडवांस करें, इंडस्ट्री के लिए भी जड़ी इसकी लिक्विडिटी है वो मिले। तो ऐसे कोशिश कर रही है सरकार सारा इसको करने के लिए, प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लेकिन जब तक हम सारे सिस्टम को ठीक करेंगे, करेक्ट, तो सारा इंटरनेशनल फ्यूचर है, उससे हम इंडिया कैसे निकल सके, उसे तेज़ी से बाहर निकले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी। जी, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक रोज़गार को लेके जो सवाल हैं और जहाँ तक ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, उससे एक जल्दी ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बने और पॉजिटिव जॉब्स बने। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हम बैठे हैं चंडीगढ़ में, तो जाहिर सी बात है हमें पंजाब और पंजाब की इकोनॉमी को लेके भी, और आप क्योंकि पंजाब से हैं, आप यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं,
मैंने जहाँ तक अभी लोगों से बात किया, पंजाब की इकोनॉमी को, पंजाब की अर्थव्यवस्था को लेके, पंजाब की खुद की जितनी डेट है इस वक्त 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, उसको लेके काफ़ी लोग चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र से कुछ मदद मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अकेले पंजाब के लिए कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। डेट पंजाब का डेट उतारते बहुत स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स में डेट है, हरियाणा पे भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, यूपी में भी है, बिहार पे भी है। हर स्टेट कह रही है हमें स्पेशल पैकेज दो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टेट से स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस, दोनों चीजें ये चाहते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो पीछे किया है शेयर इन जो डायरेक्ट एक्सेस से 42% किया है जी, उससे काफ़ी बड़ा इंक्रीज मिला है, उससे उनको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, स्टेट को शेयर ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इसके लिए और भी, जैसे इंडस्ट्री पंजाब में सेटअप करने की बात आप पूछेंगे, तो आप इंडस्ट्री से संबंधित हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एटमोसफियर ऐसा बनाया जाए पंजाब में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके। एक है कैलकाटा टू अमृतसर जो कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें ये आता है, वहाँ पर हमने राजपुरा को सिलेक्ट किया, उसमें 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए और पंजाब सरकार ने कहा कि हम इसको जल्दी जल्दी आपको ज़मीन देंगे। वहाँ एक इंडस्ट्रियल पार्क बहुत बड़ा बनेगा जी। मैं चीफ मिनिस्टर को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था कि आप जल्दी से जल्दी ये करवाइए, को यहाँ पे इनको लैंड अवेलेबल है, उस पर अगर 1000 एकड़ मिल जाए तो उसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर ओपन हो सकता है। क्या इंडस्ट्री इन कंसल्टेशन विद पंजाब गवर्नमेंट, क्या किस तरह की इंडस्ट्री वहाँ लगानी है, उस फैसला करेंगे, ये ज़मीन देंगे, उसको सारा डेवलप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ऐसी स्कीम है, ये 5 कॉरिडोर बन रहे हैं सारे इंडिया में, एक ये कॉरिडोर पंजाब से जाता है और जिस जिस स्टेट से ये कॉरिडोर निकलता है वहाँ वहाँ कुछ शहर जो अच्छे हैं, सिटी जहाँ ज़मीन अच्छी अवेलेबल है, उनको लेकर वहाँ इंडस्ट्रियल सेंटर बन रहे हैं। बट जितनी बारी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जितनी बारी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पे बात आ जाती है लैंड एक्विजिशन को लेके। किसी प्रदेश में किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को लेके बात करें, हर एक कॉरपोरेट हाउस कहता है कि लैंड एक्विजिशन एक बहुत सिरदर्दी का काम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब में तो लैंड बहुत महंगी है, इसको नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन फिर भी पंजाब जैसे मैं आपको कहा, या राजपुरा में 1000 एकड़ ज़मीन पंचायती लैंड अवेलेबल है, पंजाब सरकार ने ये क्विट किया हुआ है। लास्ट टाइम इन्होंने कहा था पंचायत इलेक्शन होने वाली है, जब हमारा लास्ट इनसे कम्युनिकेशन हुआ था, उनके अब तो पंचायत बन गई, शुरू भी हो गई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी पंजाब सरकार करेगी 1000 एकड़ ज़मीन दे देगी, उसके साथ ये हम शुरू कर सकेंगे। ये लैंड तो यस स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को आपस में अपने आप अपने स्तर पर इसको हैंडल करना है, बट क्या आपको लगता है कि आगे एक दूरदर्शी सोच केंद्र को भी रखनी पड़ेगी जब तक हम लैंड की जहाँ तक बात करते हैं? क्योंकि जितनी बारी आप इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी सेक्टर में लें, लैंड एक पेचीदा मामला है। नहीं, ऐसे नहीं है। हमने कल भी हमारी कमेटी चल रही थी, उसमें 31,000 एकड़ जमीन, हेक्टेयर ज़मीन सारे इंडिया में हमारे पास अवेलेबल है लैंड इस इंडस्ट्री के लिए, SEZ की दूसरे जगह अवेलेबल है, वहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को जिसने लगानी है उसको अपनी ज़मीन तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई एग्री, पंजाब में महंगी ज़मीन करके कोई बड़ा इंडस्ट्रीज लाने के लिए नहीं बनता, लेकिन फिर भी कोशिश तो इसमें की जा सकती है। मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर पंजाब को भी जवान ने भी कहा था, लिखकर भी भेजा है, यू सेंड सम प्रपोजल टू अस, कोई प्रपोजल आए तो सही, उसको हम कंसिडर करें, बैठ कर डिस्कस करें। यहाँ ये नहीं कि पंजाब में कांग्रेस सरकार है या सेंटर में दूसरी है,
फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें तो दोनों रल के काम कर सकती हैं। सरकार किसी की हो या किसी इलेक्शन में कोई जीतता कोई हारता है, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन हम इकट्ठे काम तो कर सकते हैं। वी आर फ्रॉम पंजाब, पंजाब की बात इकट्ठे कर सकते हैं, पंजाब को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री जगह लगाने के लिए। लेट अस मेक ज्वाइंट एफर्ट्स, उससे कुछ ना कुछ बन सकता है। और एक मैं और पंजाब से रिलेटेड सवाल ये पूछना चाहूँगी कि ये भी एक काफ़ी इशू है जो पहले भी चीफ मिनिस्टर ने भी बोला हुआ है, वो है फार्म लोन वेवर को लेके। उन्होंने पहले भी बोला है कि कहीं ना कहीं किसानों के ऋण को लेके कुछ एक पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि जब तक किसानों के ऋण का समाधान नहीं निकाला जाएगा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सिर्फ पंजाब की ही नहीं, काफ़ी प्रदेशों की प्रॉब्लम है। जी देखो, किसान की जो एग्रीकल्चर है, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, को काम इसमें फायदे वाला कितना नहीं है। किसान कर्जे में है, बहुत सारे स्टेट्स में है। पंजाब की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बहुत कुछ कमिट कर दिया इलेक्शन जीतने के लिए, इतना कुछ कमिट किया। वही टीवी पे चलाते रहे, जो लोन होगा वो मैं करूँगा, पे करूँगा, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आरती का हो, किसी का भी लोन हो, वो पंजाब सरकार दे रही है। आपको लगता है कैप्टन साहब ने ओवर कमिट कर दिया? बिल्कुल ओवर कमिट किया है। आप तो उसका तो 5% भी नहीं दे सके। ये हमारी प्रॉब्लम यही है पॉलिटिशियंस की, जो हम ओवर कमिट करते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जो ओवर कमिट करना। इसलिए आप कहते हैं लेजिस्लेशन होना चाहिए इस पर, जो नहीं कर पाएंगे उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। दिस इज टू मच, भाई हम सारा कर्जा माफ करेंगे। लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया, और मूल रूप से किसानी को लेकर हमें क्या एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए? उसमें देखो, जो हमारी सोच है किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जैसे हम कहते हैं 2022 तक हम इनकी जड़ी आमदनी दुगनी करेंगे जी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो प्राइसेस, जरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जितना राइज इस सरकार ने किया, मोदी साहब ने किया है, इतना पहले कभी हुआ नहीं है। बहुत बड़ा जंप दिया है, 1.5 गुना प्राइस किए कॉस्ट से, 150%। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं तो 10% 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये बढ़ते थे, सैकड़ों में बढ़ाना इसी सरकार ने किया है। और इसकी जो इसके साथ आने वाले समय में इसके साथ डेयरी को जोड़कर, दूसरी को जोड़कर, हर कोशिश की जाएगी किसान की आय दुगनी करेंगे। ये एक डिटर्मिनेशन है सरकार का, और इसको करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा और करेंगे। ठीक है, अब हम क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और आजकल भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है, और इस ये बहुत चर्चा में भी है। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि धर्मांतरण जो है वो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है पाकिस्तान में। सिखों की बात करें, सिख लड़की की अभी पिछले ही हफ्ते बहुत न्यूज़ आई थी, और फिर ऑफकोर्स प्रेशर के बाद उसको वापस लौटाया गया अपने घर पर। बट सिख लड़कियों को ले लीजिए, हिंदू लड़कियों को ले लीजिए, बहुत बड़े स्केल पर धर्मांतरण किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत को एक ग्लोबली प्रेशर बिल्ड करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? जितना पाकिस्तान पर प्रेशर अब बिल्ड हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं है। 370 आर्टिकल को ख़त्म करना और पाकिस्तान कुछ कर ना सके, ये पाकिस्तान को बेबस किया गया है। सारी वर्ल्ड में वो घूमते रहे हैं,
किसी ने उसका कहना माना, किसी ने उसको पूछा, किसी ने इंडिया को कंडेम किया। इंडिया को हर जगह उसने कहा जी आपकी बात है, आप सी आप बैठ कर तय करो। से बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 70 साल में कोई सोच भी नहीं सका वो करके दिखाई है। धर्मांतरण तो चल रहा है अभी भी? धर्मांतरण देखो वो इंडिविजुअल कोई ऐसी बात आई है तो उसको जो स्टेप्स लेने बोलेंगे स्वीकार करेगी, जो कुछ कर सकती करेगी। क्योंकि ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में और घटती चली जा रही है, इनके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत ज़बरदस्त स्केल पर इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, क्या आपको लगता है इसकी मुहिम छेड़नी चाहिए भारत को? देखो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज सीज ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसे जो कुछ करना है स्टेप्स करेंगे। बहुत मोदी साहब को जैसे सिस्टम है, कहते कुछ नहीं है करते हैं, ही विल डू जो भी इसमें होना वो करेंगे। और हम बात करें तो एक बलदेव कुमार जी भी हैं जो पंजाब के एमएलए, पाकिस्तान के पंजाब से यहाँ आए हैं, पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं इंडिया में। बात ये वही घूम के आती है कि कैसे सिखों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है पाकिस्तान में। बलदेव कुमार एक एग्जांपल है उनका, आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह की सोच रखनी चाहिए? देखो यही बात है, वहाँ ही इज़ नॉट हैप्पी देयर, वहाँ ठीक महसूस नहीं कर रहे, इंडिया में रहना चाहते हैं ऐसे है। तो उस पर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस पर संज्ञान लेगी और उसका कुछ 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 फैसला करेगी। और अगर हम बात करें यही पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इमरान खान हर एक शुक्रवार को कुछ एक नया ड्रामा करते हैं। पिछले शुक्रवार वो खड़े हुए थे 30 मिनट के लिए, इस शुक्रवार वो जलसा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि कब तक इस तरह की ये एंटिक्स करते रहेंगे? देखिए वो हार्ट महसूस कर रहे हैं, उसको तकलीफ है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बोल सकता है और कुछ कर तो सकता नहीं, कुछ भी जैसे कर रहा है करने दो उसको। लेकिन जो हमने करना से वो कर दिया, बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर का फैसला करना था वो तो हो गया, उस पर तिलमिला रहे हैं तो अपने आप ठंडा हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का दबाव जैसा आपने बोला अभी तक पाकिस्तान पे कभी नहीं बनाया गया, वो इस वक्त बनाया जा रहा है, यहाँ से मोमेंटम इंडिया के और फेवर में आएगा? कैसा ये पाकिस्तान को लेके जब दबाव बना हुआ है ग्लोबल प्रेशर? देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, पहले के लोग कहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं, इंडिया में कम रहते हैं, ये इसका रिजल्ट है। दुनिया में ऐसी साख बनी है इंडिया की जिसके लिए कोई भी उसके अगेंस्ट इंडिया के बोलता नहीं है, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, कोई कंट्री इवन चाइना भी खुलकर नहीं बोल सकता। ऐसा फॉरेन में जो इमेज इंडिया का बना है हर एक महसूस करता है, कोई डेलीगेशन जाए उसकी इवन उसको कैसे रिसीव करते हैं, कैसे कैसे उसको रैंकिंग देते हैं, वो उससे पता चलता है हर को, वन फील प्राउड हम इंडिया से हैं। जी आखिरी सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी और उसके बाद फिर कुछ ऑडियंस से भी सवाल लेते हैं, और वो है हिंदू हिंदुत्व को लेके। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे इसलिए क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जी ने मथुरा में बोला था कि भाई जब ओम की बात होती है, जब गाय की बात होती है, तो लोगों को लगता है ऐसा बैकगियर लगा कि हम 500 साल पीछे चले गए। क्या लगता है ये सोच में बहुत बदलाव की आवश्यकता है? देखो हिंदुत्व के हिंदू क्या है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो अपने आप को भारतीय कहने में या इंडियन कहने में क्या हर्ज है, यही कहते हैं हम तो। अपने जो हिंदुस्तान में रहता है बात पाकिस्तान की करता है उसको हम बुरा कहते हैं, कहना चाहिए जो हिंदू 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 इंडिया की बात करता है वो अच्छा है, मतलब यही है। इसको कोई किस ढंग से लेता है वो और चीज़ है। जी जी
ओके, ऐसा करते हैं कुछ एक सवाल ऑडियंस से भी ले लेते हैं, अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक सवाल हैं। ओके, एक अगर इधर माइक पहुंच सके फ्रंट रो में। अच्छा सर, पंजाब में ना एक आवारा पशुओं की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। किसान जिसकी 2-3 एकड़ ज़मीन है उसके पशु चर जाते हैं, वो तो उसी दिन मर जाता है। स्लाटर हाउस बंद कर दिए अपने, उसका क्या सलूशन है? गौशाला में कोई फंड नहीं है, तो इसका कोई सलूशन आपके पास है? देखो ये प्रॉब्लम सारी स्टेटों की है, लेकिन पशु कहाँ से आते हैं? हम लोग जो सोसाइटी के लोग हैं वो जब दूध देती गाय उसको रखते हैं, जब नहीं देती हम छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व का मैं सॉल्व कैसे? प्रॉब्लम क्रिएटर भी हम ही हैं, सफर भी हम भी करते हैं। नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपने तो क्रिएट की है ना? नहीं, क्रिएट तो सोसाइटी ने की है। मैं आपको बताता हूँ, आप भैंस कभी देखी रोड पे? भैंस नहीं ना दिखती, एक गाय क्यों दिखती है? क्योंकि आप छोड़ देते हो। नहीं, फिर तो पशु नहीं, भैंस भी छूटनी चाहिए। भैंस कभी दिखी? ये को बाहर से तो आती नहीं है। भैंस को भी पाला जाता है ना, ये तो आप वो भी दूध देती है, वो भी कभी रोड पे दिखी है? ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, मंत्री जी को जवाब देने का तो मौका दीजिए। प्रॉब्लम आपने क्रिएट की, उसका जवाब देने का मौका दीजिए। लोग जो गऊ रखते हैं और उसको बाद में छोड़ देते हैं, भैंस को कौन छोड़ता है? तो ये तो आपको देखना है, गऊ को छोड़ना का भैंस को छोड़ना। ठीक है, मैं एक और कौन छोड़ता है? पाकिस्तान तो गाय पाकिस्तान से तो आती नहीं है। हेलो, एक इसका जी बिल्कुल आगे बढ़ते। हेलो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये किसान जो सुसाइड है ये कब रुकेगी? हिंदुस्तान में छोड़िए, पंजाब में छोड़िए, पूरे पूरे भारतवर्ष में जो है ये चीज है, ये कब रुकेगी और क्या होगा? मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ और आपके साथ हमारा अलायंस है, अकाली दल से हूँ मैं, और ये हम पूछना चाहते हैं कि ये कब रुकेगी हिंदुस्तान के अंदर? अच्छा है मोदी जी का दोबारा उनको मिल गया है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, आज की डेट में फिर प्रधानमंत्री हैं, पॉलिसी बहुत अच्छी है, जो सेंटर पॉलिसी है उनकी सराहनीय योग हर चीज़ है, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किसान सुसाइड जो है हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब में आज बहुत हो रही है, मगर हिंदुस्तान और पंजाब में ये कब रुकेंगी ये सुसाइड? और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल देती है कि हमें जो भी सुविधा चाहिए वो सेंटर से चाहिए, क्या सेंटर सुविधा देना चाहेगा या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही बातें करती रही? मैंने पहले भी इनके क्वेश्चन का जवाब देते हुए यही कहा था, किसानी लाहेवंत किता नहीं है, किसान कर्जे में है सभी जानते हैं, उसका कर्जा कैसे कम हो इसलिए उसकी आमदन को बढ़ाना पड़ेगा, यही सरकार की पॉलिसी है कि उसकी आमदन दुगनी करेंगे, उसकी आमदन बढ़ाएंगे। और जो कर्जा माफ करने की बात है वो तो पंजाब सरकार में सुसाइड इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि उसको आस इतनी बढ़ा दी हमने कि आपका कर्जा चाहे बैंक का हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे आड़ती का हो, वो पंजाब सरकार हाथ ऐसे हम हाथ मार कर कहते थे हम देंगे, अब वो दिया नहीं जा रहा है, किसान निराश है, उसके सुसाइड कर रहा है। इस सरकार जो उन्होंने कर्जा जो पहले जो मैनिफेस्टो में डाला था उसका कसूर है, और जो फॉल्स प्रॉमिस किया किसानों के साथ उसका कसूर है। आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब से निराश होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं? जो लोगों के साथ फॉल्स प्रॉमिस किया है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। किसान तो उन्होंने लोग उनको इसके झांसे में आ गया, अभी हमारा कर्जा माफ होगा नंबर एक, नंबर दो मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी,
ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਯੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਭ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹੋ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੋ, ਯਾ ਫਿਰ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਹੋ, ਸਭ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ ਕਭੀ ਯੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ ਕਿ ਹਮ ਯੇ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਇਨਕੀ ਆਮਦਨੀ ਬੜਾ ਦੇਂਗੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਪੈਸਾ ਹਮ ਇਹਨੇ ਇਨਕੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾ ਦੇਂਗੇ। ਆਪ ਉਨਕੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾ ਪੈਸਾ ਦੋਗੇ ਤੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੋ ਆਪਣਾ ਦੇਗਾ ਪੈਸਾ। 2022 ਤੱਕ ਤੋ ਬੜਾਨੇ ਕੀ ਡਬਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਮ ਉਸਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇਂਗੇ, ਯਹੀ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਆਮਦਨ ਬੜਾਏਂਗੇ ਦੁਗਨੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵਹੀ ਹਮਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਂ ਕਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇਂਗੇ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि जीडीपी डाउन हो गई तो ट्रैफिक के जो फाइन्स है वो बढ़ा दिए गए, एंड जो रूल्स है वो गर्ल्स के लिए नहीं होता। गर्ल्स आज भी रात में ट्रैवल करने टाइम में 10 बार सोचती हैं रात में, तो वो सेफ्टी रूल्स कब बढ़ेंगे, कब वैसा स्ट्रिक्टनेस लॉस आएंगे जैसे कि अभी होता है ट्रैफिक में देखा जाता है? देखो ट्रैफिक रूल्स में जो फाइन जुर्माना बढ़ाया गया है वो ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਂ ਮਰਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਤੇ, ਹਮ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ। ਉਸਕਾ ਕਾਰਨ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਉਨਕੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਤੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਕਮ, ਔਰ ਅਬ ਕਰਨਾਟਕ ਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਮ ਯਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਲੋਕੋ ਕੀ ਜਾਨ ਕੋ ਬਚਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹੈਲਮਟ ਸਿਰ ਪੇ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਪੀਛੇ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ ਬੈਲਟ, ਯਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੋਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਚਲਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਥਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਇਸਕਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈ ਲਗਾਨੇ ਕਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੋ ਕੀ ਜਾਨ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਅਬ ਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਡਰੱਗਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਕੇ ਮਸਲੇ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਐਕਸ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਨਕਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸਕੋ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਕੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕਾ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਣੇ ਕਾ ਵੀ ਯੇ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਕੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੇ ਬੀਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਾਮ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਕੋ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਤਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਸਕਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। देखिए एक तो कह रहा था जैसे ऊपर जाता है उसकी रीढ़ की को जो हड्डियाँ वो छोटी हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये बात है।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਜੇਕਰ ਹਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੈਠੇ, ਹਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋ ਦਿਲ ਮੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਕਾਮ ਕਰੇ ਕੌਣ ਰੋਕਤਾ ਹੈ। ਯੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਯੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੀ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ। ਅਗਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਚਾਹੇ, ਹਮੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਐਸੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਸੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਸਰ ਯੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਥਾ, ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸਸੇ ਡਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਡਰਗਸ ਆਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੇ ਰੂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਗੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ, ਜੈਸੇ ਡਰਗਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮੇਂ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋ ਇਸ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਰੂਟ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸਭੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਧਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜ਼ਰਾ ਏਕ ਜੋ ਯਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਏਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋ ਦੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਯੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੈਸੇ ਟੂਟੇਗਾ, ਯੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਤੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਰੱਗਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੇਂਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਕਿਸਨੇ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਤਾ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਤਾ, ਹਮਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਪਟ 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 ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਡਰਗ ਤੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸੀ ਲੀਏ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਰਪਟ ਹੈ ਵੋ ਡਰਗਸ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਸਭੀ ਕੋ ਸਾਥ, ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋ ਵੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਸਾਬ ਇਟ ਇਸ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ, ਇਸ ਕੋ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭੀ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਹਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਪੇ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੇ ਡਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਲੋਕੋ ਪੇ ਜੋ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਸਭੀ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਸ ਪੇ ਤੋ ਕੰਮ ਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਸਰ, ਅਭੀ ਜਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਕੇ ਜਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਥੇ ਤਬ 6% ਸੇ ਪਲਸ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ, ਤਬ ਹਮਨੇ ਯੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਥਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੋ ਨੇ ਯੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਆਜ 5% ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਯੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਸ ਮੇਂ ਵੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ ਉਨਮੇਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਪੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? 2018-19 ਕਿਆ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕ ਮੇਂ ਰਹਾ ਥਾ, 8% ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਰਹੀ ਥੀ, ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਸ 2018-19 ਮੇਂ ਹੋਈ, ਹਾਫ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕੀ ਜੋ ਸੀਮਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀ, ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁਆ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਹੈ, ਸਭੀ ਯਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਸਟੈਪਸ, ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਬੋਲਾ ਆਜ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਯਹੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਆਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਨਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਛੋੜ ਕਰ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੂੰ,
इसी पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स दूसरे को बढ़ा सकेंगे, कि उसके लिए क्या स्टेप्स लेनी है, जो लिक्विडिटी है उसको कैसे बढ़ाएं, बैंकों को, बैंक वालों का क्या रोल होना चाहिए, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, क्या इंसेंटिव देनी है, इसी पे चर्चा हो रही है। इसीलिए हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दोबारा से ला रहे हैं। लेकिन बहुत अर्थशास्त्रियों का, बहुत विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो हमने 5 ट्रिलियन का अपना जो लक्ष्य माना है वो बहुत मुश्किल हो सकता है अगर हमारी ग्रोथ रेट इसी तरह से रही तो। देखो यही बात आज पहले शुरू करते पीयूष गोयल जी, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने कही थी, बहुत लोगों का ऐसे कहते हैं, बट वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक, बड़ा सोचना चाहिए। कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, सारा कुछ मुमकिन होगा, करे काम हम जोर से, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, नया कुछ करेंगे, FDA पॉलिसी आएगी, उसमें बहुत कुछ होगा। और मैं कहता हूँ आने वाले 1-2 साल में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और ट्रेड भी बढ़ेगा और जो इंडस्ट्री का स्लो डाउन है वो भी ठीक होगा। पंजाब आपसे एक क्वेश्चन है, बिकॉज यू आर द फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिस्टर चन्नी का एक बयान अभी कुछ दिन पहले आया था कि जो भी इंडस्ट्री है प्रिवेंशन एंटी ह्यूमिकिंग ट्रैक के अंदर, जो हम लोग लाइसेंस लेकर पंजाब में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बेसिकली ILSPT या स्टूडेंट वीज़ा का, जो हायर एजुकेशन के लिए हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, इस एक्ट के अंदर हम सभी ने लाइसेंस लिए भी थे। गवर्नमेंट दे आर आस्किंग फॉर द डाटाबेस ऑल्सो कि हम कितने बच्चे बाहर भेजते हैं, क्या उनकी डिटेल्स हैं। एंड अगेंस्ट अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मैक्सिमम ऑफ जो एजेंट्स हैं इन पंजाब दे आर ठग्स और वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर ओन बिजनेस, अवर ओन कंसल्टेंसी, और हम लोग बच्चों को सलाह देना स्टार्ट करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तरफ वो लाइसेंस देने की बात करते हैं और एक तरफ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं। हर एक इंडस्ट्री में कुछ ठग भी हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड व्यू नहीं बनाया जा सकता उसके लिए। तो क्या ऐसे केसेस में सभी बिजनेसेस को बंद करके सरकार खुद अपना बिजनेस रन करना चाहती है, क्या आपका क्या व्यू है इसके? नहीं ऐसा, चन्नी साहब किसकी बात कर रहे हो आप? मिस्टर चन्नी, चन्नी मंत्री जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसे बयान दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं दे सकते हैं। ऐसा है, बाहर जाने के लिए क्या करते हैं आइलेट्स, जो उसकी टीचिंग करते हैं, ये क्या करेंगे अपना, क्या कोई और मंत्र तो पढ़ाएंगे नहीं? मेरा नहीं समझ, मैं नहीं समझता क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। जैसे तो ऐसे हो कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उसको मानता हो, प्लम्बर हो, दूसरा हो, मिस्त्री हो, उसके ऐसे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हों। वैसे जो ITI में पढ़ा देंगे वो भी बाहर निकल कर ऐसा ही करेगा, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल उसकी सोच ऐसी, पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने कहा होगा, मैं उसके वो, बहुत उसका लाभ होने वाला नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है। आर देयर स्टिल सम हैंड्स, कोई और अभी भी? ओके, यस, माइंड अप, इट्स ओके, थैंक यू सर।
जी देखिए, ये कमिटमेंट है सरकार की आमदन दुगनी करने की। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जी, ये सरकार की कमिटमेंट है कि किसानों की आमदन दुगनी करनी है। इसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैंने कहा डेढ़ गुना के सरकार ने किया है, इतना बड़ा जंप कभी मिला नहीं है। आने वाले समय में उसको कैसे करना है, उसकी आमदनी बढ़ानी है, को उसको कितना और जोड़ना है, डेयरी का काम करना है, इसलिए रेस्ट अश्योर्ड जो मोदी साहब ने कहा है वो होगा, वो करेंगे। ओके, लेट्स आमदनी दुगनी कही है, दुगनी होगी। मेरे ख्याल से ये सवाल मंत्री ये जी ने काफी बारी ले लिया है। हमारा वो वादा नहीं है, हम कर्जा माफ करेंगे पर नहीं करेंगे, जो किया है आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं, पॉजिटिव नोट पे यस एंड करते हैं इसको। और आई एम सॉरी, अब बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं है, आई एम सॉरी, हम लोग ऑलरेडी दूसरे पैनल के लिए लेट हो चुके हैं, ऑफलाइन ले लेंगे। मंत्री जी ने सारे सवालों का आंसर बहुत बहुत ऑनेस्टली दिया है और बहुत फ्रीली वो बात कर रहे हैं। इसके बाद दोबारा से ऑफलाइन भी बात हो सकती है पैनल डिस्कशन को लेके। सर इज बिन वेरी वेरी ऑनेस्ट और वो बहुत फ्रीली आंसर दे रहे हैं। और इस आई एम सॉरी, वील हैव टू एंड दिस, हमें इसको यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा। मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्पेशल प्रोग्राम। धन्यवाद।